नमस्कार आदाब दोस्तों, हम आप पहुंचे हैं ग्राम असोड़ा। ग्राम असोड़ा की अमन कॉलोनी में हम उपस्थित हैं। ग्राम असोड़ा की चारों तरफ से काफ़ी स्थिति खराब है। कोई कार्य, कोई विकास सही तरीके से, भरपूर तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिससे गांव असोड़ा की जनता काफ़ी परेशान है। आए दिन ऑफिसों पर, कॉलेजों में, हर जगह कहीं ना कहीं कोई मामले बनते चले आ रहे हैं। ग्राम असोड़ा की काफ़ी बड़ी समस्या जो आपके सामने उपस्थित है, जो मौजूदा है, यहाँ की कई पहले चैनलों में, कई अखबारों में बड़ी बड़ी खबर भी लग चुकी हैं, पर कोई अभी तक कोई असर ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि हमने ही पहले खबर चलाई थी, यहाँ की जिला पंचायत सदस्य रेखा नागर जी भी यहाँ आई और इसका देखभाल भी करी, देखा और अपना दुख प्रकट भी करा और जनता को आश्वासन भी दे गई कि हाँ कार्य होगा। यहाँ के गांव के प्रधान अली मूर्ति जैसे भी उन्होंने बातचीत करी और ऑफिस पे बुलाया आपने और उनसे वहाँ से भी बातचीत करी, मुलाकात करी प्रधान अली मूर्ति जैसे। पर यहाँ गांव की बड़ी एक समस्या और है। चाहते हैं लोग के यहाँ का पानी की निकासी नहीं है, यही नाले का प्रस्ताव लोगों ने रखा है, प्रधान जी ने प्रस्ताव रखा है कि पास होने जा रहा है या पास हो गया है, ये तो वार्ता करेंगे प्रधान अली मूर्ति जैसे। यहीं से नाला निकलेगा सड़क के किनारे, जब पूरे गांव का पानी उसमें गिरेगा, जब यहाँ की कोई समस्या हल हो पाएगी। ये बड़ी समस्या गांव के अंदर चारों तरफ कीचड़ गारा बहुत ज़्यादा भरी हुई है, नाले डटे हुए हैं, कोई सफाई का कार्य नहीं हो पा रहा है। कुछ भी ये भी बता रहे हैं गांव समस्या के लोग, जो हमारे सूत्रों से मालूम चल रहा है कि यहाँ के जो मेंबर हैं, जो मेंबर बनाते हैं, उन मेंबरों के बीच और प्रधान के बीच कुछ खटास चल रही है, और एक छोटा प्रधान ही बनाते हैं, उनके बीच कुछ खटास चल रही है। जब भी प्रधान कोई कार्य करते हैं तो उनके बीच में कुछ ऐसे लोग आगे खड़े हो जाते हैं, मेंबर आगे खड़े हो जाते हैं कि अगर सीमेंटेड सड़क भी बनती है या ईंटें भी लगती हैं तो मेंबर ये कहते हैं कि इसमें सीमेंट कम है, इसमें रोड़ी कम है, इसमें बजरपुर कम है। इस तरह की शिकायत भी हमारे सामने आई है और ये वार्ता बताएंगे खुलकर प्रधान अली मूर्ति जा, उनके पास भी चलेंगे, उनसे पूछेंगे। फिलहाल मैं अपने कैमरामैन शिवा आजाद से कहूँगा कि दृश्य दिखाएँ कि आज ज़्यादा हालत यहाँ ख़राब हो चुकी, क्योंकि सामने ही ईदगाह है। यहाँ ईदगाह के जस्ट लोग बराबर में नमाज के लिए जाते हैं, पूरा गांव निकल के आता है इस रास्ते से, काफ़ी दिक्कत होगी नमाजियों को, यहाँ से कपड़े संजेंगे, नमाज नहीं हो पाएगी ईदगाह की, तो काफ़ी दुख भरा वाला दृश्य आपके सामने है। हालांकि किसी पहचान की जरूरत नहीं है प्रधान अली मुर्तजा की, हम आपको पहले अवसर रूबरू करा चुके हैं प्रधान अली मुर्तजा को। अभी जैसे हमने दृश्य आपको दिखाया, आप दृश्य देख रहे हैं किस तरीके से गांव के अंदर जो पानी भरा हुआ है, गांव के अंदर चारों तरफ कीचड़ है और जो नाले नाली ठसे हुए हैं, पानी की निकासी कहीं नहीं हो पा रही है। और जैसे हमने बताया कि हमारे सूत्रों से हमें मालूम चला कि किस तरीके से प्रधान के अली मुर्तजा के काम में बाधा डालते हुए यहाँ के लोग हैं, आइए रूबरू कराते हैं प्रधान अली मुर्तजा से, उनकी ही जीवा आपको सुनाते हैं क्यों गांव के लोग परेशान है, काफ़ी जनता गांव असोड़ा की परेशान है, किस तरीके से नालों में पानी भरा हुआ है, किस तरीके से झोड़ उफान पर है और हत्या होती चली आ रही है, बच्चे डूबते चले आ रहे हैं, झोड़ फुल है, कोई विकास ऐसा नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से जनता को राहत मिले, आपको रूबरू कराते हैं प्रधान अली मुर्तजा से। जी प्रधान जी, काफ़ी शिकायत भी है गाँव में लोग, गाँव के लोगों को आपकी काफ़ी बुरा बुरा लोग कह भी रहे हैं, आखिर क्या वजह है, क्यों कार्य नहीं हो पा रहा है, जनता आपको सुन रही है। देखो आपके अंदर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप हमारे पास आए। एक तो हमारे गांव में चार तालाब है जी, चार तालाब की स्थिति ये है कि गांव के पानी की निकासी कहीं कोई है नहीं जी। दूसरा जो दिलखेड़ा का पानी है वो भी असोड़े में है, पूरा आवास के पास जो असोड़े से भी बड़ा है जी, उसका पानी भी हमारे ग्राम पंचायत असोड़ा में है जी। जब पानी की निकासी कहीं है नहीं, क्या प्रधान से क्या क्या करे प्रधान, हमने डीएम से, एसडीएम से, एडीएम से सबसे उसकी शिकायत करी है, लेकिन कोई सुनने वाला है, कोई सुनने वाले नहीं। एक नाला और बनकर तैयार हो रहा है जो दिरखेड़ा से असोड़े में गिरेगा आगे जी। फिर पानी की व्यवस्था और खराब हो जाएगी जाकर। दूसरा जो ये तालाब है, हमारा गांव नीचे पड़ गया है, सड़क ऊंची है, पानी ऊपर कुछ चल नहीं रहा है, जो भी गाँव का पानी है तालाब में आ रहा है, तालाब पूरी तरह भर चुके हैं, कुछ तालाब लोगों ने घेर भी रखे हैं, जिसकी वजह से तालाब छोटे पड़ गए हैं और पानी की निकासी है नहीं। अभी मेरी जिला पंचायत अध्यक्ष से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं प्रधान जी आपको 10 लाख का नाला दूंगा, मेरी दूर जहां भी पड़े वहां पर आ जाना, नाला निकलवा देना। लेकिन ये समस्या बड़ी है, ग्राम पंचायत या प्रधान से समस्या हल होने वाली है नहीं, इसको तो बड़े स्तर से ही हल किया जाए, क्योंकि जब तक पानी की निकासी नहीं होगी, आवास विवास का पानी एक छोरिया है असोड़ा ग्राम पंचायत का, उसका पानी झेल सकता, लेकिन पूरे मेरठ जिले का या पूरे हापुड़ कैसे झेल लेगा पानी, वो पानी बरसात के कारण वापसी असोड़े में चलता है। स्थिति ये है, तालाब पूरे भर चुके हैं,
पानी की निकासी कहीं है नहीं। मैं आपको बता दूं कहीं कुछ कोशिश भी करते हैं तो ग्राम पंचायत के मेंबर या वगैरह आपको जानकारी सब है, वे अड़चन लगाते हैं। निधि भी कम है, तालाब बड़े बड़े हैं। एक तालाब हमने अभी सेंचुरी है आपों में, उससे एक हमने तालाब लिया है, 1 करोड़ का तालाब उन्होंने दिया है। ये चामण के पास तालाब है, 60 बीघे का तालाब है, उसकी सफाई होगी, लेकिन 1 करोड़ रुपए प्रधान कहां से लगा देगा? तो ये तो बड़े लेवल का मसला है, उससे हल होगा? प्रधान से तो बस ये प्रधान तो जेसीबी चलवा सकता है या छोटी मोटी सफाई करवा सकता है। अच्छा कुछ सुनने में आया जो गांव के प्रधान है, प्रधान है और जैसे सुनने में आया कि गांव के मेंबर है और जैसे गांव के छोटा प्रधान भी बनाया जाता है जो आशुमन है शायद, जो मेरे मुझे मालूम चला, और एक प्रवीण मेंबर भी है, ये मेंबर है और के एक ही, तो इनके बारे में कुछ थोड़ा सा खुल के सब बताइए, इन लोगों के बारे में काम किस तरीके से विकास में क्या मामला चल रहा है? देखो जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं वे कुछ राशि लेना चाहते हैं हर महीने, जो बजट है नहीं कहाँ से हम उसको राशि देंगे। उनका ये कहना है क्या तो हमारे महीने कुछ राशि दोगे, नहीं तो हम ग्राम पंचायत असोड़ा में काम नहीं होने देंगे, आपकी बदनामी करेंगे, जिससे लोग आपके विश्वास में वोट दी थी आपको भी कल को बुरा कहेंगे। उन मेंबरों का तो यही है काम का विकास ना हो, हम चाह रहे कि विकास हो, लेकिन फिर भी अधिकारी बहुत सपोर्ट करते हैं, काम हो भी रहे हैं, लेकिन जैसे बजट का अभाव है, पहले तक बजट ज्यादा था कम है, सफाई में भी 4 आदमी लगे हुए हैं कैंटोली, वो भी गांव बड़ा है, असल में नगर पालिका के पास में गांव होने के कारण लोग सफाई भी ज्यादा चाहते हैं, लाइट भी ज्यादा चाहते हैं, फिर पानी की निकासी है नहीं, सबको अपनी जिम्मेदारी कोई समझता नहीं कि प्रधान ही करवाएगा, सब अपनी जिम्मेदारी भी ये समझे कि अपने घर का कूड़ा अपने घर का गन्ना फेंके, सब टोटल नालियों में फेंक, आपने देखा होगा तालाब के पास 24 घंटे पानी चलता है तालाब में, समरसेबल चल रहे हैं, लिमिट बेलिमिट है समरसेबल, मैं सरकार से अधिकारी से अपील करूंगा इन समरसेबल पे लगाम लगाया जाए। अच्छा जिस देश के प्रधान नरेंद्र मोदी और जिस सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उस सूबे में जिला हापुड़ जैसे गांव असोड़ा के बराबर गांव हापुड़ के बराबर गांव असोड़ा के रहने वाले प्रधान अली मुर्दीदार, वहाँ ऐसा दृश्य हो रहा हो जो मतलब सरकार लगा भी रही है, चाहे भी रही है विकास कराना और फिर प्रधान को रोका जाए, ऐसा भूमंडल, हालांकि नामी है बिल्डोजर बाबा, अब देखा ना ये है कि क्या बिल्डोजर बाबा इस राज्य में कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कि ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए जो एक विकास सरकारी काम कराने के इच्छुक और सरकारी काम कराया जा रहा हो और उसमें वादा डालने वाले व्यक्ति को, तो मेरा मन ये कि उसे उठा के गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा जाए। क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा नहीं भेजा जाएगा, जांच बैठी जाएगी नहीं बैठी जाएगी, क्या इन पर जांच होगी या नहीं होगी, कि गांव की जनता काफी परेशान है, नाली भरे हुए हैं, काम नहीं हो पा रहा है, प्रधान मजबूर है, अपनी मजबूरी नहीं बता पा रहे, चेहरे से मजबूरी झलक रही है, खुलकर कुछ शब्द नहीं बोल रहे हैं, जो मैंने खुद नोट करा आपने नोट करा कि कुछ बोलने नहीं है, पर लोग इन्हें बड़े परेशान कर रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए सही तरीके से, इन पर सत्ताई से कार्य होना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होगा, क्या सरकार कर पाएगी। कैमरामैन शिवाजी के साथ मैं नौशाद, नमस्कार।